नमस्ते बच्चों, मैं रिक्ति सांगरानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, नया साल शुरू हो गया है। आप कहेंगे मैडम वो तो कब से शुरू हो गया है, लेकिन मैं तो हमारे अध्ययन के बारे में बात कर रही हूँ। नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? यस, हमें हमारी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। किस में? अध्याय में। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आपको हिंदी में बहुत सारी इकाइयों का अभ्यास करना है। ठीक है, आज हम इस तास में यानी कि इस लेक्चर में पहली इकाई की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी पहली इकाई है चित्रपाट, चित्र के संग संग। यहाँ पर मैं आपको इस इकाई के पहले पार्ट की चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। चलो बच्चों, साहित्य के कई प्रकार के भेद हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है गद्य और पद्य, है ना? गद्य और पद्य, चंपू काव्य भी होता है हिंदी में, राइट? तो साहित्य के इन भेदों के भी अन्य भेद है, यानी कि गद्य के भी बहुत सारे भेद है और पद्य के भी बहुत सारे भेद है। आज हम उसकी थोड़ी सी माहिती यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसे कि गद्य में क्या क्या आ सकता है, तो कथा, आख्यायिका, कहानी, उपन्यास, निबंध, इतिहास, संस्मरण, जीवनी, लघु कथा, आत्मकथा, नाटक, पत्र, एकांकी, चित्रपाट, अनुवाद, ये सारी चीजें गद्य में आती है। इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पद्य की। खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है, प्रकृति गीत, देशभक्ति गीत, ठीक है, ये सारे साहित्य के अलग अलग प्रकार के भेद है। बच्चों, हमें हमारे इस पाठ्य पुस्तक में इनमें से कई प्रकार के भेदों का अभ्यास करना है। ठीक है, पत्र भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, प्रकृति गीत, देशभक्ति गीत। ठीक है, जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तब तक उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। आज हम बात करेंगे चित्रपाट के बारे में। ठीक है, चित्रपाट आपको नाम पढ़कर ही पता चल गया होगा कि इसमें चित्र दिया गया होगा। ठीक है बच्चों, चित्रपाट से आपकी विचार शक्ति को खेलने का मौका मिलता है। समझ में आया? चित्रपाट से आपके विचारों को खेलने का मौका मिलता है। यहाँ पर चित्र दिया गया होता है, हमें उस चित्र का विवरण करना होता है, यानी कि उस चित्र के बारे में हमें बहुत कुछ बताना होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक इंसान अपने अपनी तरह से सोच लगाता है, इसीलिए हमें दूसरों के विचारों को भी समझने का और जानने का मौका मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि चित्र देखकर जो चीज हमें समझ में नहीं आई है वो किसी और को समझ में आई हो, तो हम उसके बारे में जान सकते हैं। और दूसरों को जो चीज समझ में नहीं आई हो, यदि वो हमें समझ में आई है, हम उसे प्रस्तुत करें तो दूसरे लोग भी उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सब छात्रों की ही बात कर रही हूँ। आप सब छात्र जब इकट्ठे होते हैं वर्गखंड में, यदि कोई चित्रपाट दिया गया है
तो यदि आपकी अध्यापिका आप सभी को एक एक वाक्य प्रस्तुत करने के लिए कहे, अवलोकन करने के बाद तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विचार प्रस्तुत होता है। ऐसा नहीं है कि चित्र है और सब लोग इसके विरुद्ध बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन छोटी सी चीज शायद हमें वो ना दिखाई दी हो और किसी और को दिखाई दी गई हो तो हम उसे अच्छे से जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी अवलोकन शक्ति का भी विकास होता है ना। हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस चित्र पाठ के अंदर दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्र अलग अलग बात को प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो हम अपने पहले चित्र की ओर आगे बढ़ेंगे और इस चित्र का वर्णन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस चित्र का वर्णन करने के लिए ले जाती हूँ। मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करूंगी, आपको देखना है कि आपके विचार भी मेरे साथ मेल होते हैं कि नहीं। तो चलिए मेरे साथ। तो चलो बच्चों, हम पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है इसका चित्र वर्णन करते हैं। देखिए, तो मैंने आपके चित्र पाठ का सबसे पहला चित्र यहाँ पर लिया है। आप इस चित्र का अवलोकन कीजिए और बताइए कि क्या क्या हो रहा है, सोचिए। यस, यह चित्र देखकर आपको पता चल रहा होगा कि यह सुबह का चित्र है, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम की ओर निकल पड़े हैं, है ना। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस, क्या दिखाई दे रहा है कि यह एक सड़क का चित्र है और सड़क पर सुबह सुबह बहुत सारी चहल पहल है, क्योंकि सुबह होते ही सड़क भी जाग जाती है, क्योंकि प्रत्येक इंसान अपने अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं, है कि नहीं? यस, तो चलिए बारी बारी से कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है यहाँ देखते हैं। पहले दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। अरे आप सोचिए, ये साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा क्यों भर रहा होगा? आसान सी बात है, क्योंकि बिना हवा से टायर नहीं चल सकता, इसीलिए तो साइकिल के टायर में हवा भरी जाती है। इसीलिए यह साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, तभी जाकर तो यह साइकिल चल सकेगी, है ना? अच्छा, अब आगे देखते हैं। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। क्यों लेटा हुआ है? शायद वो आराम कर रहा है, शायद वो थक गया होगा इसलिए आराम कर रहा है। बच्चों, एक बात नोटिस की आपने? ये कुत्ता रास्ते के किनारे पर सो रहा है, रास्ते के बीचों बीच नहीं सो रहा है। इसका मतलब उसको इस बात का पता है कि कहाँ पर सोना चाहिए। देखिए, साइकिल के दुकान वाले की दुकान भी रास्ते के किनारे पर है ना? यस, चलो अब आगे देखते हैं। एक गुंजड़ीन क्या कर रही है?
सब्जियां बेचने जा रही है। कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली, उसकी टोकरी में बहुत सारी सब्जियां है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कुंजड़ी सब्जियां बेचकर अपना गुजरान चलाती होगी, है ना? इसीलिए तो वह सब्जियां बेचने सुबह सुबह निकल पड़ी है, है कि नहीं? यस, देखो उसके सिर पर उसने टोकरी रखी है और टोकरी में बहुत सारी सब्जियां भी दिखाई दे रही है। चलिए अब और आगे देखते हैं। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। उसके पास तो बहुत सारे रंग बिरंगी गुब्बारे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। अब बच्चों आपको यह बात का पता चल गया होगा कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारे में हवाई भरी जाती है, यानी कि गुब्बारे में हवा डाली जाती है तभी जाकर वो उड़ सकते हैं, है ना? यस, तो आपको यहाँ पर एक बात सीखने को मिली होगी कि हवा किस किन चीज़ों में भरी जाती है। यस, साइकिल के टायर में हवा भरी जाती है, गुब्बारे में हवा भरी जाती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हवा भरी जाती है। जैसे कि सोचिए सोचिए यार, हमारा जो कुशन होता है ना, कभी कभार वो कुशन में भी हवाई भरी जाती है, लेकिन वह कुशन हम कहाँ ले जा सकते हैं? जब हम यहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं तभी ऐसे कुशन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हवाई भरते हैं जिससे वो फूल जाए और हम अपना सिर रख सके, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों का लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी चीज़ों में हवाई भरी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अरे अरे देखो, साइकिल की दुकान वाले की दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, यहाँ सुबह सुबह सैर करने निकल पड़ा है आसमान की, और उड़ते उड़ते यहाँ डंडे पर आ पहुँचा है। कितना प्यारा लग रहा है यह तोता, है ना? ओके, चलो और देखिए, दुकान के पास एक मोची बैठा है, यानी कि मोची भी सड़क के किनारे पर है। वह अपने सारे साधनों के साथ यहाँ बैठा हुआ है, शायद वो किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मोची क्या करता है? जूते और चप्पल बनाता है, यानी कि यह मोची सिलाई कर अपना गुजरान चलाता होगा। देखो बच्चों, आपने देखा कि ये सारे लोग, कुंजड़ी, गुब्बारे वाला, मोची, ये सारे लोग सड़क के किनारे पर है, यानी कि वो सड़क के बीचों बीच नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? चलो और आगे देखते हैं। अरे देखिए, सड़क पर तो यातायात के साधन जा रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है और बाइक के पीछे एक रिक्शो जा रहा है। रिक्शो में एक यात्री बैठा हुआ है। अरे रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सारे लोग अपने काम की ओर निकल पड़े हैं, है ना? चलिए और आगे देखते हैं। अरे देखिए देखिए, सड़क के किनारे पर बहुत सारी बिल्डिंग है। अरे आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं।
पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। हमने पहले चित्र में ही देखा था, है ना, कि पंछी आसमान में उड़ रहे थे और सड़क के किनारे पर बहुत सारे वृक्ष थे, ठीक है। अरे यहाँ किसी मिल का धुआं दिखाई दे रहा है, यानी कि सड़क के किनारे पर कोई मिल है, जिस मिल के में से बहुत सारा धुआं आसमान में जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चित्र वर्णन, पहले चित्र का चित्र वर्णन खत्म होता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप अच्छी तरह से ये चित्र वर्णन समझ गए होंगे। देखा ना आपने, बहुत सारी चीजें इस चित्र में दी गई है। क्या मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है? यस, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि सुबह सुबह का चित्र था, है ना? सभी लोग अपने अपने कार्य की ओर निकल पड़े थे। इतना ही नहीं, पंछी भी अपने कार्य की ओर निकल पड़े थे। पंछी क्या करने निकल पड़े होंगे? यस, दाना ढूंढने के लिए और खुले आसमान की सैर करने के लिए। जब छोटा सा पंछी भी यह समझता है कि हमें अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा, दाने ढूंढने जाने पड़ेंगे, तो मनुष्य भी अपने अपने कार्य की ओर आगे बढ़ने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ता है, ठीक है। आपने देखा ये सुबह का तो चित्र था, लेकिन एक रास्ते का चित्र था। और आपने देखा कि इस चित्र में जो साइकिल वाले की दुकान है, मोची है, कुंजड़ीर है, फिर गुब्बारे वाला है, ये सब लोग सड़क के एक किनारे पर है, यानी कि कोई इंसान सड़क के बीचों बीच नहीं है। फिर यहाँ तक कि कुत्ता भी यह बात समझता है कि उसे सड़क के किनारे पर ही रहना चाहिए, है ना? तो चलो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे फटाफट से उसके उत्तर बताइएगा, ठीक है। साइकिल वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भरता है, तो आप बताइए पंप से और किस किस चीज में हवा भरी जाती है? यस, तकिए में, फुटबॉल के बॉल में, है ना, भरी जाती है कि नहीं? यस, तकिए में, फुटबॉल के बॉल में, इन सारी चीजों में हवा ही भरी जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, कुंजड़िन सब्जियां बेचती है, ओके। कुंजड़िन कहाँ कहाँ सब्जियां बेचने जा सकती है? तो कुंजड़िन गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी सब्जियां बेच सकती है। चलो एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर कुंजड़िन के पास एक टोकरी है, क्यों उसके पास टोकरी होगी? क्योंकि उसके पास लारी नहीं होगी, इसीलिए वो बेचारी टोकरी का इस्तेमाल कर ही अपनी सब्जियां बेचने जाती होगी और इस प्रकार अपना गुजरान चलाती होगी, है ना? ओके, एक बात मुझे बताइए, मोची है वो इतनी जल्दी क्यों निकल पड़ा होगा? यार, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सुबह सुबह जब लोग अपने अपने कार्य के लिए जल्दबाजी में निकलते हैं, तो हो सकता है किसी के जूते, किसी के चप्पल बिगड़ भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो यदि मोची सुबह सुबह जल्दी निकल पड़ेगा, तभी जाकर उसे कोई ग्राहक मिलेगा और वो दो पैसा कमा सकेगा। सच बता रही हूँ कि नहीं? यस, अब देखिए रास्ते पर बाइक वाला, साइकिल वाला और मोटर कार यानी कि गाड़ी वाले लोग हैं। आप बताइए
सड़क पर और कौन कौन से वाहन चल सकते हैं, यानी कि यातायात के साधन निकल सकते हैं। बस, ट्रक, साइकिल, है ना, ये सारे यातायात के साधन सड़क पर निकल सकते हैं। अब हमने देखा कि रास्ते की एक ओर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, फिर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारी मशीन के कारखाने लगे हुए होंगे, या तो मिले लगी हुई होगी, तभी तो उसमें से धुआं निकलता होगा। तो बच्चों, आपको ये चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और आपको वो पीपीटी में चित्र देखने का भी मजा आ गया होगा। तो बच्चों, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है? यस, आपको उस वर्कशीट को अपनी बुक के अंदर अच्छे अक्षरों में, लेकिन दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर, इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करना है। इतना ही नहीं, अच्छे से उसे समझना भी है और याद भी रखना है, ठीक है। अगले टास्क में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब हम दूसरे चित्र के बारे में चर्चा करेंगे और इस पहले चित्र का पुनरावर्तन भी करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।